Jungle. Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the next topic of chapter number 3, 12th class chemistry. Today's the content is occurrence of silicon, peculiar behavior of carbon, compounds of carbon and silicon, and oxides of silicon. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let's start our topic. एनालसाइट जिसे हम जियोलाइट भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है NaLSiO3 2H2O. नेक्स्ट इज एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस CaMg3SiO3 4, ये इंपॉर्टेंट है. पॉटरी क्ले H2Al2SiO4 2H2O. एंड देन जिरकोन ZrSiO4. लास्ट इज टल्क, जिसे हम सोपस्टोन H2Mg3SiO3 4 है. अब सिलिकॉन जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है, 25% तक ये अर्थ में पाया जाता है. सिलिकॉन जो है वो जिस तरह कार्बन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सिलिकॉन जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये ज़्यादातर कंपाउंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. सिलिका की फॉर्म में, सिलिकेट्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में, फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स की फॉर्म में. तो यहाँ पे कुछ नेम्स लिए हुए हैं, ये ऑक्साइड की फॉर्म में, क्वार्ट्ज की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्वार्ट्ज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ओपल की फॉर्म में. तो मैं आपको दिखाती हूँ. तो यहाँ पे देखिए, ये है रॉक क्रिस्टल, जितनी जो है शाइनी अपीयरेंस है इसकी, रॉक क्रिस्टल की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट एमिल्थस क्वार्ट्ज, ये देखिए कितना खूबसूरत जो है ये, इसका पर्पल सा कलर है. नेक्स्ट इज स्मोकी क्वार्ट्ज, ये थोड़ी सी इसकी क्योंकि स्मोकी सी अपेयरेंस है, इसलिए इसको स्मोकी क्वार्ट्ज बोलते हैं. नेक्स्ट इज रोज क्वार्ट्ज, जो देखें रोज की, बिल्कुल रोज की तरह लुक है, जिस तरह फ्लावर की होती है इसी तरह इसकी क्रिस्टल्स ग्रो होती हैं. नेक्स्ट देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, रोज क्वार्ट्ज, ये हार्ट शेप में उसको मोल्ड किया हुआ है, ये क्वार्ट्ज जो है वो यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है मिल्की क्वार्ट्स, मिल्की क्वार्ट्स जो होता है थोड़ा मिल्की उसकी अपेयरेंस होती है, कितना खूबसूरत ना दिखने में लग रहा है ये भी. लास्ट इज ओपल, ओपल जो है ये डिफरेंट जो है कंट्रीज़ की जो ओपल्स हैं वो इस डायग्राम में जो है वो दिखाई गई हुई हैं, बेसिकली जिन्हें स्टोन्स भी कहा जाता है, इस तरह से ये ओपल्स होती हैं. ठीक है, दोबारा से एक बार देख लें, दैट वन इज़ ओपल, दिस वन इज़ मिल्की क्वार्ट्स, देखें इसकी थोड़ी सी मिल्की अपेयरेंस है. ये है रोज़ क्वार्ट्स, दैट वन इज़ वेरी लविंग, वेरी स्वीट कलर, बहुत जो है वो फैसिनेटिंग कलर है पिंक्स. दिस वन इज रोज, सेम रोज क्वार्ट्स, यानी कि वो डिफरेंट मोल्ड किया हुआ है उसे. दैट वन इज स्मोकी क्वार्ट्स, एमिल्थस क्वार्ट्स एंड रॉक क्रिस्टल्स. आपको इनमें से जो है वो सबसे अच्छा कौन सा लगा है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. नेक्स्ट है हमारे पास के ओपल, भी हमने डिस्कस कर लिया कि ओपल की फॉर्म में भी ये वैरायटी ऑफ ओपल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है. अगर हम कार्बन का पेक्युलर बिहेवियर देखें, पेक्युलर बिहेवियर बोला जाता है कि वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ कार्बन रखता है, बाकी उसके मेंबर्स नहीं रखते. तो कार्बन और सिलिकॉन्स जो हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं, नीचे मेटलाइड्स हैं और फिर उसके नीचे मेटल्स जो है एग्जिस्ट करती हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज कैटिनेशन, कैटिनेशन जो है वो सेल्फ लिंकिंग होती है, कार्बन लिंक होके जो है वो एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल बना देती है. कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है. यहाँ पे देखें ये जो है कार्बन के, देखिए चेन लिंक हुई हुई है, इसी तरह सिलिकॉन भी जो है वो कैटिनेशन शो करता है. तो ये कैटिनेशन जो है वो जैसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होती जाती है. नेक्स्ट इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन. तो कार्बन जो है वो ऑक्साइड, उसके 3 टाइप्स के होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन सब ऑक्साइड, दैट इज C3O2. जो कार्बन सब ऑक्साइड है वो बहुत कम जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है, इसलिए आपने कभी इतना स्टडी भी नहीं किया. दैट फर्स्ट वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन जिसमें जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं वो तो डबल, एक इसमें सिग्मा होगा, एक पाई होगा. दैट थर्ड वन इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो थर्ड वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में एग्जिस्ट करता है. और ऑक्सीजन अपने पूरा एक लोन पेयर डोनेट करके कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है. और अगर हम इसके स्ट्रक्चर से देखें तो ऐसे लग रहा होता है जैसे इसका डायपोल मोमेंट बड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट 0.112 ही सिर्फ होता है. नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है इसकी.
अब फेस एंटर क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो 115 होता है, ये लीनियर एग्जिस्ट करता है। इसका डायपोल मोमेंट जब वो जीरो पोल मोमेंट होता है तो हमेशा पॉजिटिव एटम से नेगेटिव एटम की तरफ डायरेक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये दैट वन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए इस पूरे का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो ये है इसकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कार्बन डाइऑक्साइड की। इस तरह से जो है ये रेंज हुए होते हैं इनके फेस के सेंटर के ऊपर, और अगर कॉर्नर के ऊपर सेम एटम पाया जाए तो फेस सेंटर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये इस तरह से इसमें अरेंजमेंट होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है सेंटर में जो है वो कार्बन है और ये रेड वाले ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होती है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सिलिका के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मैंने सिलिकॉन के आपको बहुत सारे आज जो है वो डायग्राम्स दिखाई, इट्स वेरी अमेजिंग एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम्स। सिलिका जो होता है वो उसमें अगर हम देखें सिलिकॉन को तो सिलिकॉन जो है वो भी टेट्रावेलेंसी शो करता है, जिस तरह से कार्बन शो करती है, और ये ऑक्सीजन के साथ फोर बॉन्ड बनाता है। और इस तरह से देखें यहाँ पे हमने देखा था कि स्ट्रक्चर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ था, इसमें जो सिलिका था वो ऑक्सीजन के साथ लिंक है और ये टेट्रावेलेंट है, जिस तरह से कार्बन होता है इसी तरह ये सिलिका होता है जो कि फोर ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड हुआ होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें विट्रियस सिलिका की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। हाईली ट्रांसपेरेंसी टू द लाइट यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है लाइट में, रिफ्रैक्टरी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और थर्मल एक्सपेंशन होती कम होती है यानी कि आप हीट करेंगे तो एक्सपेंड कम करेगा, इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है, हार्ड है, ब्रिटल है, इलास्टिक है, और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, और इनर्ट्स मोस्टली जो है ये बिहेव करता है डिएजेंट के साथ, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पे रेजिस्टेंट होता है यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अगर इसके ऊपर फॉल आउट हो जाए तो इसके पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आज के टॉपिक बस हमने यही करना था, आज हमने बहुत ज़्यादा जो है वो टॉपिक स्टडी नहीं किया, थोड़ा सा किया। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन नोट कर ले, राइट डाउन द मिनरल्स ऑफ सिलिकॉन एंड देयर फॉर्मूला, इट्स योर असाइनमेंट्स बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन, सो यू हैव टू प्रिपेयर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो और लाइक माई वे ऑफ लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई होप यू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।